बिहार के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और हम अभी मौजूद हैं राजधानी पटना के शास्त्री नगर इलाके में। ये वो शास्त्री नगर इलाका है जहां पर हम अभी खड़े हैं। ये सबसे वीआईपी इलाका माना जाता है, जहां पर सरकार के जो वरीय अधिकारी हैं वो यहां पर रहते हैं, चाहे वो विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, या फिर जो सचिवालय में काम करने वाले वरीय आईएएस हैं, उनका यहाँ पर आवास है। और स्थिति आप देख सकते हैं, तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। और यही तस्वीर लगभग पटना के इस शास्त्री नगर इलाके के ज़्यादातर मोहल्लों में है, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश होने की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सामने शालिनी मिश्रा का आवास है, जो विधायक है केसरिया से, जेडीयू की विधायक हैं, और ऐसे में इनके मकान के सामने किस तरह से पानी लगा हुआ है ये तस्वीर आपके सामने है। ये लेखा हाउस है, लेखा हाउस में वरीय अधिकारी रहते हैं और इनके घर के सामने भी बिल्कुल लबालब पानी भरा हुआ है। और इस इलाके में ज़्यादातर घरों में पानी भरा हुआ है, जिसको डिवाटरिंग किया जा रहा है। पानी अंदर जो घर में जल जमा हो गया है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। राहुल कुमार आईएएस हैं, वरीय आईएएस हैं, जो सचिवालय में हैं अभी तैनात, और इनके घर के सामने क्या स्थिति है पानी की देख सकते हैं। ये पंकज मिश्रा हैं, विधायक रून्नी सैदपुर सीतामढ़ी से आते हैं। यह इलाका सबसे वीआईपी माना जाता है, जहाँ पर सरकार के नुमाइंदे रहते हैं, यहाँ पर वरीय अधिकारी, विधायक और मंत्रियों का आवास है। लेकिन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पानी जमा हो गया है, और जिन घरों में पानी जमा हो गया है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नगर निगम ये माना जा रहा है कि इस बार ज़्यादा काम किया था, जिससे कई ऐसे इलाके जहाँ पर कुछ ज़्यादा पानी लग जाता था वहाँ पर पानी नहीं लग पाया है। लेकिन पटना के सबसे वीआईपी इलाके में अभी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से डूबा हुआ है। और यहाँ के अधिकारी जो आवास में रहते हैं, विधायक जो इन आवासों में रहते हैं, वो कैसे निकलेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं गाड़ियाँ डूबी हुई है, और जो ये इलाका है यहाँ पर तकरीबन एक तरह से कहा जा सकता है कि घुटने भर पानी हो गया है। और ऐसे में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर तेज़ बारिश एक बार फिर से शुरू होती है, जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और माना जा रहा है कि न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। ऐसे में अगर और तेज़ बारिश होती है तो पटना की क्या स्थिति हो सकती है बखूबी समझा जा सकता है। हालांकि पटना समेत पटना के आसपास इलाके में तेज़ बारिश शुरू हो गई है, और एक बार फिर से माना जा रहा है कि जिस तरह से आज से कुछ साल पहले पटना के राजेंद्र नगर इलाके में जल जमाव ऐसा हुआ कि लोगों का घर से निकलना बाहर दुभर हो गया था, सड़क धस गई है, ये वो इलाका है जहां पर विधायक, मंत्री और साथ ही जजेज आवास है। और ये तस्वीर है उस बीरचंद पटेल पथ का, जहां पर पूरी तरीके से सड़क धस गई है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, और अभी यहां पर काम चल रहा है, इसको किसी तरह से मरम्मत किया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर है जहां पर पूरी तरीके से ये गड्ढे में सड़क तब्दील हो गया है। वहीं ये जो इलाका है पूरी तरीके से आर ब्लॉक से लेकर और इनकम टैक्स को जोड़ने वाली ये सड़क है, जो पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो वो धस गई है। और ऐसे में अभी मरम्मती का काम शुरू हो गया है दोनों तरफ सड़क के, दोनों तरफ, एक तरफ मंत्री, विधायक या फिर पार्टी कार्यालय है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, तो वहीं दूसरी तरफ जजेज आवास है। और इसके सामने किस तरह से ये सड़क धसी हुई है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पहली बारिश है पटना में जहां पर कल देर रात झमाझम तेज़ बारिश हुई, और उसके बाद से ये तस्वीर पटना के सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले इस इलाके में नाला का काम हुआ था, और उसके बाद से ये तस्वीर सामने आई है जहाँ पर देर रात तेज़ बारिश हुई, और उसके बाद से यहाँ पर पूरी तरीके से आर ब्लॉक से इनकम टैक्स को जोड़ने वाली ये सड़क धस गई है। हालांकि जो मुख्य सड़क है वहाँ पर अभी भी गाड़ियों का आवाजाही चल रहा है, लेकिन ये सबवे है, सड़क का ये दूसरा हिस्सा है जिस पर, इस पर भी गाड़ियाँ चलती है, और जो जजेज जहाँ पर रहते हैं वो इसी सड़क के जरिए वो मेन रोड पर आते हैं। तो ये पूरी तरीके से सड़क धस गई है, और आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, अगर इस इलाके से गाड़ी गुजरी तो फिर क्या स्थिति होगी महज ये समझा जा सकता है। और अभी ये पहली बारिश कल देर रात हुई है जब तेज़ बारिश हुई है, और उसके बाद से ये तस्वीर सामने आई है। और इसके बाद अगर जो
मौसम विभाग के तरफ से चेतावनी दी गई है, एक बार फिर से तेज बारिश शुरू होती है तो फिर क्या आलम होगा पटना का, ये महज समझा जा सकता है। हालांकि अभी मरम्मती का काम शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जल्द ही इसको मरम्मत कर लिया जाएगा और फिर से इस सड़क को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तेज बारिश शुरू होती है और यही आलम पटना का रहता है तो लोग कैसे अपने घरों से निकलेंगे, और जो VIP इलाका है वहाँ पर ये स्थिति है तो बाकी अन्य इलाके में क्या स्थिति होती होगी, ये महज समझा जा सकता है। ये अभी काम चल रहा है यहाँ पर मरम्मती का और ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे इलाके को मरम्मत करके और फिर से एक बार इस रोड को सुचारू रूप से चलाना शुरू हो जाएगा, गाड़ियाँ इस पर चलने लगेंगी। लेकिन जो स्थिति पहली बारिश में पटना के कई इलाके में देखने को मिला है, और अगर एक बार फिर से तेज बारिश शुरू होती है, जो मौसम विभाग का अनुमान है, पूर्वानुमान है, उसमें ये कहा गया है कि बिहार के कई हिस्से में तेज बारिश हो सकती है, और ऐसे में एक बार फिर से पटना में अगर जोरदार बारिश शुरू होती है तो फिर यहाँ के लोग किस स्थिति में रहेंगे, कैसे घर से निकलेंगे, और जहाँ पर जल जमाव है उस इलाके की क्या स्थिति होगी, महज ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है।